हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है और यहाँ पर एक्सरसाइज अब आपके लिए है 3.2। जैसा कि चैप्टर चल रहा है दो चर की रैखिक समीकरण, और ये एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हो चुकी है 3.2। और इस एक्सरसाइज में आपके लिए सबसे पहला जो प्रश्न होगा वो क्या है, निम्नलिखित में एक्स तथा वाई के मान की गणना प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, कैसे सॉल्व करते हैं यहां पर। तो यहां पर पहला सवाल है हमारा एक्स बटे 3 प्लस वाई बटे 4 और बराबर में 11। ये समीकरण एक दे रखी है, दूसरी समीकरण दे रखी है 5x बटे में 6 माइनस वाई बटे 3 बराबर में माइनस का 7। ये दो समीकरण आपके लिए दे रखी हैं और हमें इन्हें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो कैसे करना है देखें, सबसे पहले हम समीकरण 1 मान लेते हैं और फिर समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या करना पड़ेगा, हमें एक चर का मान निकालना पड़ेगा। तो हम यहां पर समीकरण लिख लेते हैं x बटे 3 प्लस y बटे 4 बराबर में 11, ये लिख लिया। तो यहां पर आप देखिए x बटे 3 बराबर 11 और माइनस y बटे 4 है लिखा हुआ, तो y बटे 4 मैंने लिख दिया, इधर लिख दिया, ये y बटे 4 इधर आ गया माइनस का। इस तरीके से हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर यहां पर x बटे 3 लिख लो बराबर 11 माइनस y बटे 4, ब्रैकेट में क्लोज कर दो। इसके नीचे अगर मैं 1 मान के चलूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो x बराबर आ जाएगा 3 गुणे 11 माइनस y बटे में 4, ये आ जाएगा। तो जब x का मान ये आ जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में क्या है, 5x माइनस बटे में 6 माइनस y बटे 3 और बराबर में माइनस 7, ये है। इसमें x का मान रखेंगे, यहां पर देखिए ध्यान से, तो मैं लिखूंगा 5 गुणे x, x का मान हमारे पास है ये जो लिखा हुआ है 3, यहां पर लिखेंगे 3 और गुणे में 11 माइनस y बटे 4 और बटे में इसके है 6 माइनस y बटे 3 और बराबर में माइनस का 7, ये है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से, 5 की गुणा 3 से हो रही है यहां पर, तो ऐसा करते हैं हम 5 गुणे पहले 3 की गुणा करा लेते हैं, तो 11 3 33 माइनस 3 और 3 और बचा आपके लिए कितना, 3 बाई बटे में 4 और बटे में इसके लिखा है 6, ठीक है, और माइनस का बाई बटे 3 बराबर में माइनस का 7, ये है। आप सिंपली देखिए क्या करेंगे, यहां पर 5 की गुणा भी करा देते हैं, 5 से 15 का 5 यहां पर हो गया, और 1 5 से 15 और 116 165 माइनस 5 से 15 बाई और बटे में 4 और बटे में 6 माइनस बाई बटे 3 और बराबर में माइनस का 7 हो गया। अब इस तरीके से यहां पर और आगे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पर एलसीएम ले लेंगे, 4 की गुणा कराएंगे इससे, 4 5 20 का 0, 2 4 6 24, 25 26 का 6, यहां से लगा 2 यहां पर और 4 1 4 और 2 6 660 माइनस का 15 बाई और बटे में आ जाएगा आपके लिए 4 और बटे में आ जाएगा 6 और 6 के बटे में 1 मान लेंगे और माइनस का बाई बटे 3 बराबर में माइनस का 7, ये आ गया। तो यहां पर आप देखिए 660 माइनस 15 बाई बटे में 4 गुणे 1 ऊपर चला जाएगा 6 नीचे आ जाएगा माइनस का बाई बटा 3 बराबर में माइनस का 7। तो सिंपली क्या करेंगे, 660 माइनस 15 बाई और बटे में 6 चौकू यहां 24 हो जाएगा माइनस का बाई बटे 3 बराबर में माइनस का 7, ये आ गया। अब सिंपली यहां पर एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों टर्म में, देखो 8 से हमें गुणा करनी पड़ेगी तभी ये बराबर होगा, तो मैंने 8 से गुणा कर दी है, तो यहां पर हो जाएगा 660 माइनस का 15 बाई
और बटे में आपके लिए आ जाएगा यहाँ पर टोटल में 24, और यहाँ 8/2 हो जाएगा, माइनस का 8/2 और बराबर में माइनस का 7, तो 660 माइनस 15 और 8 ये जुड़ जाएंगे यहाँ पर, तो 23/2 हो जाएगा माइनस का और बटे में 24 बराबर में माइनस का 7, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी इससे यहाँ 1 मान के, तो 660 माइनस 23/2 बराबर में माइनस का 7 गुणा 24, तो यहाँ जाएगा 660 माइनस 23/2 बराबर में 7 की गुणा करा देंगे, 7 × 28 यहाँ पर 8 और 2 × 7 = 14 = 15 = 16 = 168, तो यहाँ पर हो जाएगा 660 माइनस का 168 इधर ले आओ बराबर में 23/2, 660 में से यहाँ पर 168 घटा देते हैं, 10 में से 8 गया यहाँ पर 2, 15 में से 6 गया 9 और यहाँ बचा 5 में से 1 गया 4, 492, 492 बराबर 23/2 और 22 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 492 बटे में 23, 23 हो गया, तो 22 का मान यहाँ तक आप इसको निकाल सकते हैं, अगर ये y का मान आ गया तो x का मान भी आप निकाल सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर इस इनको सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, y का मान जब निकाल लिया तो किसी भी समीकरण इसमें रख दो, चाहे y का मान चाहे इसमें रख दो, आपके लिए वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये पहला प्रश्न है आपके लिए, यहाँ पर पहला पार्ट हो गया। इस तरीके से यहाँ पर अब हम बताएंगे आपके लिए दूसरा इसका जो क्वेश्चन है वो बताएंगे। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, x प्लस 22/2 बराबर 4, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, और x बटा 3 और प्लस 2y बराबर में 5, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इन दोनों समीकरणों से x का मान, पहले समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे और दूसरी समीकरण में डालेंगे। देखिए x का मान वहां से निकालेंगे, x प्लस वाई बटा 2 बराबर में 4, ये दिया गया है, x प्लस वाई बटा 2 बराबर 4, यहाँ से x का मान निकाल लो, तो x बराबर हो जाएगा 4 माइनस वाई बटा 2, ये x का मान आ गया, x का मान समीकरण 2 में रख दो, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो हमारे पास समीकरण दे रखी है x बटे 3 करके, तो x का मान रख दे रहे हैं 4 माइनस वाई बटा 2, 4 माइनस वाई बटा 2 और बटे में आ जाएगा 3 प्लस 2y बराबर में 5, ये हो गया। एलसीएम ले लेंगे, 2 × 8 माइनस वाई बटे में 2 बटे में 3 और इसके बटे में 1 मान लेंगे, प्लस का 2y और बराबर में हो गया 5, तो हो जाएगा 8 माइनस वाई बटे में 2 गुणे 1/3 प्लस 2y और बराबर में हो गया आपके लिए 5, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 8 माइनस वाई बटे में 3 दूनी 6 और प्लस 2y बराबर में हो गया आपके लिए 5, तो 8 माइनस वाई प्लस यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 6 दूनी 12y और बटे में 6 बराबर में 5, तो देखिए ये 8 और ये 12 में से 1y चला गया, तो यहाँ पर बचेगा आपके लिए 11y प्लस का और बटे में 6 बराबर 5, ये बचा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 प्लस 11y बराबर 5 के यहाँ पर 30 हो गया, तो 11y बराबर 30 माइनस 8, तो 11y बराबर यहाँ पर आपके लिए देखिए घटा देंगे, तो यहाँ पर बचेगा आपके लिए 22, तो y इक्वल टू हो जाएगा 22 बटे में 11, 11 दूनी 22 यानी y का मान आ जाएगा 11, तो यहाँ पर y का मान यहाँ पर 11 दूनी 22 यानी 2, y का मान यहाँ पर 2 आ चुका है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारा y का मान जो आया है वो y का मान 2 आ गया है, तो y का मान जब 2 आ गया तो हमें x का मान निकालना पड़ेगा, तो ये हमारे पास समीकरण 1 है, इसमें y का मान डाल देंगे, तो देखो हम x प्लस वाई का मान है 2, 2 यहाँ पर रख देंगे, तो 2/2 बराबर में हो जाएगा हमारे पास 4, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x प्लस 1 बचेगा बराबर में 4, तो x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1, तो x बराबर हो जाएगा 3, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये जो x का मान हो गया है वो 3 आ चुका है। ठीक है, तीसरा प्रश्न शुरू करते हैं, और तीसरा प्रश्न क्या है,
हम आपके लिए यहाँ पर बताते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान से लिखा है, 7y+3-2x+2 ये लिखा है, और बराबर में लिखा है 14, बराबर में 14 लिखा है। इसी तरीके से अगला है 4y-2+3×x-3=2 ये लिखा है। अच्छा, अब इस समीकरण में x और y का मान निकालना है, जो कि एक्सरसाइज आपका 3.2 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, और तीसरा प्रश्न है, ठीक है ना। तो यहां पर हमें पहले समीकरण एक से x का मान निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें इस इक्वेशन में डाल करके मान निकालना पड़ेगा x का। तो देखिए, सबसे पहले हम समीकरण एक से बात कर लेते हैं, हमारे पास ये लिखा हुआ है, और हम इसको गुणा करेंगे, 7y+7×2x-2 और बराबर में हो गया आपके लिए 14, ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर आपके लिए x का मान निकाल लेना है, तो हम यहां पर निकाल सकते हैं। देखो, पहले तो मैं लिखूंगा 7y, और यहां पर ये 21 है। अब मैं सभी नंबरों को ले जाऊंगा उधर, तो यहां पर हो जाएगा 14, तो पहले से ही ये 4 उधर जाएगा, तो प्लस का 4 हो जाएगा, और ये वाला बचा 21 उधर जाएगा, तो माइनस का 21 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा 7y-2x/, देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 14 और 4 जो हो जाएगा वो 18 हो जाएगा, और माइनस का 21, तो 7y-2x/21 में से 18 चला जाएगा, 3 बचेगा, तो माइनस का 3 हो गया। तो जब माइनस का 3 हो गया, तो यहां पर हम देखिए करेंगे, x का मान निकालना है हमें, तो 7y और माइनस 3 को इधर ले आओ, प्लस का 3, और बराबर में हो गया आपके लिए 2x, क्योंकि ये इधर आ गया प्लस का, ये वाला माइनस का इधर आ गया, तो 2x बराबर हो गया हमारे पास 7y+3, और x बराबर हो जाएगा 7y+3/2, ये हो गया। अब हमारे पास ये x का मान आ गया है, ये समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, इस समीकरण में आपके लिए मान रख देना है, तो 4y-2+3×x-3, x का मान है ये 7y+3/2 और माइनस का यहां पर 3, और बराबर में हो गया 2, ये हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4y-4×8+3 यहां पर एलसीएम ले लेंगे, तो देखिए हो जाएगा 7y+3, यहां 3×-6/2 और बराबर में हो गया 2, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए ध्यान से, 4y-8 और +3 और गुणे में, ये हमारे पास देखिए कितना रहेगा, 7y6 में से 3 गया, 3 बचा, यानी 7y-3 और बटे में आ गया आपके लिए 2, और बराबर में चल रहा है 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली यहां पर आप गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे, देखो 4y-8+3×21, 21y+3×9 माइनस का 9 और बटे में 2 और बराबर में हो गया आपके लिए 2। अब एलसीएम ले लेंगे, तो ये 2 इसमें से गुणा कर जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2×8y+2×8=16 माइनस का 16 और +21y-9 और बटे में आ गया आपके लिए 2, क्लियर है, एलसीएम ले लिया और बराबर में आपके लिए आ गया 2। अब यहां पर देखिए 8y और ये 21y है, तो ये जुड़ जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 29y और 16 और 9 हो जाएगा माइनस का 25 और बटे में हो गया आपके लिए 2, बराबर में 2,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी यहाँ से, तो 29/25 बराबर में हो गया 2 × 4, तो यहाँ हो जाएगा 29/ बराबर में 4+25 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 29/ बराबर 25 और 4, ये भी 29 हो जाएगा, यानी y बराबर 29/29, यानी कट जाएगा, तो y का मान हमारे पास आ गया 1। ठीक है, अब ये y का मान 1 आ गया तो समीकरण नंबर 1 में डाल देते हैं, तभी हमारे पास x का मान आएगा, तो हम समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, तो हम समीकरण 1 से लिख रहे हैं, हमारी समीकरण है 7y+3 − 2 × x+2 और बराबर में 14। अब y का मान 1 आया तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ, चूंकि y बराबर 1 है तो 7 × 1+3 − 2 × x+2 बराबर में 14, ये आ गया, तो यहाँ हो जाएगा 4 × 7 यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके लिए 7 × इस तरीके से लिख लो, −2x, 2 × 4 − 4 बराबर में 14, ये हो गया, तो ये हो गया आपके लिए 28 − 2x = 14, 4 को उधर भेज दो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 28 − 2x = 14 और 4 यहाँ पर आपके लिए हो गया 18। तो −2x = 18 और ये 28 उधर चला जाएगा तो माइनस का 28 हो जाएगा, तो इसलिए −2x = 28 में से ये 18 आपके लिए घट जाएगा, तो बचेगा आपके लिए यहाँ पर 10, वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2x = 10 आ जाएगा और x बराबर हो जाएगा आपके लिए 10/2, तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, यानी x बराबर आ गया आपके लिए 5। तो देखिए यहाँ पर x और y का मान आ चुका है, x का मान आया हमारे पास 5 और y का मान हमारे पास आया है 1, तो दोनों वैल्यूज आपके लिए निकल गई हैं, वो भी हमने यहाँ पर आपके लिए प्रतिस्थापन विधि से ये बता दिया है, जिसमें x और y का मान निकाल लिया गया है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, और प्रश्न नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो पार्ट हैं बहुत ही अच्छे हैं और हमें रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, और चौथा प्रश्न हमने यहाँ पर डाल दिया है। चौथा प्रश्न का पहला पार्ट है प्रतिस्थापन विधि से जो सॉल्व करना है, पहला पार्ट वो देखिए क्या है, x + y = 14 और x − y = 4, ये है, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या लिखा है, x + y = 14, तो x बराबर हो जाएगा 14 − y, ये हो गया, ये x का मान समीकरण नंबर 2 में डाल देंगे तो x का मान हो गया 14 − y और माइनस का y बराबर में हो गया 4, तो देखिए 14 − y तो −2y बराबर में 4 हो गया, तो −2y = 4 और 14 उधर चला जाएगा, माइनस का 14 आ जाएगा, तो −2y = 14 में से 4 जाएगा तो आपके लिए बचेगा माइनस का 10 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2y = 10 आ गया, यानी y = 10/2, 2 से कैंसिल कर देंगे तो y का मान आ जाएगा 5। तो यहाँ पर y का मान अगर 5 आ गया है तो इस तरीके से y का मान समीकरण नंबर 1 में डाल देंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान डाल देंगे, x + y = 5 = 14, तो x बराबर हो जाएगा 14 − 5, तो x बराबर हो जाएगा आपके लिए 14 में से 5 गया 9। देखिए हमारे पास यहाँ पर दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, x का मान 9 आया और y का मान आ गया आपके लिए 5, इस तरीके से, तो यहाँ पर आपके लिए चौथे का फर्स्ट पार्ट करा दिया है, जो कि प्रतिस्थापन विधि से कराया है। अब हम आपके लिए इसका सेकंड पार्ट कराते हैं, सेकंड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो सेकंड पार्ट आपके लिए करा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हम आपके लिए यहाँ पर सेकंड पार्ट बता रहे हैं, तो सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण s − t = 3, ये लिखा है,
दूसरा लिखा है एस बटे तीन प्लस टी बटे दो बराबर में छः। और हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हम समीकरण एक से लिखेंगे, समीकरण एक से। तो लिखा है s माइनस टी इक्वल टू तीन, तो s का मान निकाल लीजिए, तो ये जाएगा तीन प्लस टी, ये s का मान आ गया। अब ये s का मान जो है इस समीकरण में रख देते हैं, दूसरी वाली समीकरण में। तो s का मान जो तीन प्लस टी है यहाँ रख दो, तो जाएगा तीन प्लस टी और बटे में तीन प्लस टी बटे दो बराबर में छः, ये आ गया। अब हमें इसमें सॉल्व करके टी का मान निकाल लेना है। देखिए एलसीएम आ जाएगा हमारे पास छः, तो मैंने छः एलसीएम ले लिया, दो की गुणा यहाँ कराएंगे तो दो तिया छः आ जाएगा, प्लस में दो टी, और प्लस यहाँ तीन की गुणा कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए थ्री टी हो जाएगा, और नीचे की गुणा नीचे हो गई है, ठीक है, तीन दूनी छः हो गया बराबर में, यहाँ पर आपके लिए छः चल रहा है, इसके बटे में एक मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके लिए छः प्लस दो टी और तीन टी मिल करके पाँच टी बटे में छः बराबर छः बटा एक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा सिक्स प्लस फाइव टी इक्वल टू छः छंग यहाँ पर छत्तीस, फाइव टी बराबर आ जाएगा छत्तीस और ये छः उधर चला जाएगा, माइनस का छः हो जाएगा, तो फाइव टी बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपके लिए तीस। तो टी बराबर लिख लेंगे तीस बटे पाँच, पाँच एकम पाँच, पाँच एक तीस, यानी टी का मान आ गया आपके लिए छः। अगर टी का मान छः आ गया है तो इस तरीके से यहाँ पर हमें निकालना है एस का मान। अब ये समीकरण नंबर एक में डाल देते हैं, तो देखिए मेरे पास लिखा हुआ है एस माइनस टी बराबर तीन, तो मेरे पास लिखा है टी बराबर आ चुका है छः, और टी बराबर छः आ चुका है तो इस समीकरण में डाल देंगे, तो एस माइनस छः बराबर में तीन, तो s बराबर आ जाएगा तीन प्लस छः यानी s बराबर आ जाएगा नौ। तो देखिए दोनों मान यहाँ पर हमारे आ चुके हैं, s का मान नौ आया है और t का मान आया है आपके लिए छः, तो s का मान नौ और t का मान छः इस तरीके से यहाँ पर आ गया है। अब बात करते हैं इसके अगले प्रश्न, इसके अगले पार्ट की। इसका अगला पार्ट तीसरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए तीसरा पार्ट क्या है, आप देखिए, तीन एक्स माइनस बाई बराबर तीन और नौ एक्स माइनस तीन बाई बराबर नौ, ये है। हमें इसको सॉल्व करना है, वो भी किस मेथड से सॉल्व करना है, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि को लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ से एक्स का मान निकाल लेते हैं। अगर मैं एक्स का मान निकालूंगा तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर अगर मैं तीन से गुणा कर देता हूँ, देखो आप चेक करके देख लो, तीन तिया नौ एक्स, तीन बाई माइनस का और तीन तिया नौ। अब आप ये देखिए यहाँ पर माइनस का तीन बाई है, यहाँ भी माइनस का तीन बाई है। अब जब मैं इसको समीकरण को घटाऊंगा तो यहाँ पर वाई भी कट जाएगा और एक्स भी कट जाएगा। इसका मतलब हुआ एक्स और वाई का मान जो है वो कट रहा है, तो ये जो समीकरण होगी वो कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट होगी, असंगत होगी, इनकंसिस्टेंट यानी असंगत है। कैसी है? असंगत है। तो हम इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं एक्स की। तो कैसे निकाल सकते हैं? तीन एक्स माइनस बाई बराबर तीन, तो ये हो जाएगा आपके लिए तीन एक्स और तीन को इधर ले आ, माइनस का तीन बराबर में बाई, यानी इट इम्प्लाइज लिख सकते हैं बाई बराबर तीन एक्स माइनस तीन। ये आंसर हो जाएगा आपके लिए, क्यों? क्योंकि बाई बराबर जो तीन एक्स माइनस तीन है उसमें कोई भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकलेगी बच्चे, तो यहाँ पर जब वैल्यू नहीं निकलेगी तो आप क्या करेंगे, इस में से आप बाई का मान निकाल लोगे, समीकरण एक्स और बाई बराबर तीन एक्स माइनस तीन लिख दोगे, जहाँ पर एक्स के मान बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। एक्स के मान आप यहाँ पर वन टू थ्री इस तरीके से लिख सकते हैं और आपके मान आ जाएंगे, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपके लिए ये सॉल्यूशंस हो गया, थर्ड का जो स्पेसिफिक पॉइंट था वो हमने आपके लिए बता दिया कि ये समीकरण इनकंसिस्टेंट होगी, जिसके लिए y का मान 3x माइनस तीन होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर चौथे सवाल की, चौथा पार्ट। चौथा पार्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बात हम चौथे पार्ट की कर रहे हैं, चौथा पार्ट आपको कराते हैं। देखिए चौथा पार्ट क्या लिखा है, 0.2x प्लस 0.3y
बराबर में 1.3, फिर 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, तो मैं लिखूंगा समीकरण एक से, तो यहाँ लिखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3, ये लिखा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, तो 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3y ये आ जाएगा। यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे तो 1.3 माइनस 0.3y और बटे में आ जाएगा 0.2। ये x का मान समीकरण नंबर दो में रख दो, तो यहाँ पर रख देंगे 0.4 इंटू एक्स का मान पूरा रख दो, 1.3 माइनस 0.3y और बटे में 0.2। फिर है आपके लिए यहाँ पर 0.4 से वैल्यू लिख दी गई प्लस 0.5y और बराबर में 2.3। अब इसको हमें सॉल्व करना है, देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमें 0.4 की इससे गुणा करानी होगी, तो यहाँ पर देखिए करा लेते हैं, 4 3 12 का 2 और यहाँ से लगा 1 4 1 4 और 1 5, ये 52 आ गया। पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद लगेगा, तो 0.52 हो जाएगा माइनस 4 की इससे भी होगी तो 4 3 12 हो जाएगा और 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा यानी 0.12 और वाई माइनस का और बटे में आ जाएगा 0.2 बटे में 0.2 प्लस 0.5y बराबर में 2.3 हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे तो 0.52 माइनस 0.12y प्लस इसकी गुणा इससे हो जाएगी 5 2 10 और पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद 0.10y और बटे में 0.2 बराबर में 2.3 ये आ गया। अब यहाँ पर जरा देखिए 0.52 और 0.12 और 0.10 है, तो यहाँ पर घटा लीजिए 0.12 से 0.10 घटा लीजिए तो 2 आया 0.02, यानी माइनस का आएगा आपके लिए 0.02, ठीक है, और बाई आ जाएगा क्योंकि 0.12 आपके लिए है यहाँ पर माइनस का, तो इसलिए माइनस का ही आएगा और बटे में आ गया आपके लिए 0.2 और बराबर में 2.3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी इससे तो 0.52 माइनस 0.02y और बराबर में 2.3 की गुणा यहाँ पर 0.2 से करा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.52 माइनस 0.02y बराबर में 23 2 46 हो जाएगा और पॉइंट लग जाएगा 2 के बाद तो 0.46 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस का 0.02y और बराबर में 0.46 और ये माइनस का ले आएंगे 0.52 को, तो 0.52 हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 0.02y बराबर में 0.46, 0.52 में से 0.46 घटा देंगे तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ 0 यहाँ 0, इस तरीके से 0.06 आ जाएगा। तो लिख देते हैं 0.06 माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 0.02y बराबर में 0.06, तो y बराबर हो जाएगा 0.06 बटे में 0.02, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 6/2 और 2 1 2 2 3 6, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 3, y बराबर कितना आ जाएगा 3। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारे पास y का मान आया है, तो y का मान हम समीकरण नंबर एक में रख देते हैं, तो समीकरण एक में रख देते हैं y का मान, तो लिखा है 0.2x प्लस 0.3 इंटू वाई का मान आ चुका है 3 और बराबर में 1.3। इसको सॉल्व कर लेंगे, x का मान निकालेंगे तो 0.2x प्लस 3 3 9 और 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा 0.9 बराबर में 1.3, 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.9, तो 1.3 में से 0.9 घटा देंगे तो हो जाएगा 13 में से 9 गया 4 यानी 0.04, तो 0.2x बराबर 0.4, तो x बराबर हो जाएगा 0.4 बटे में 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4/2, 2 1 2 2 2 4, तो x बराबर आपके लिए आ जाएगा यहाँ पर 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
एक्स का मान हमारे पास आ गया है 2 और वाई का मान आ गया है 3। इस तरीके से यहाँ पर आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। और आगे भी जो पार्ट हैं आपके लिए मैंने चौथा पार्ट कराया है, तो पांचवा और छठा पार्ट आपके लिए अभी अभी बचा है, वो करवाते हैं आपके लिए, ठीक है ना। देखिए चौथे प्रश्न का पांचवा पार्ट, तो यहां पर पांचवा पार्ट है रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई बराबर में 0, रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई बराबर में 0, ये लिखा है। और इसको हमें क्या करना है, इसमें x और y का मान निकालना है, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर समीकरण एक से लिखेंगे, तो समीकरण एक से, समीकरण एक से लिखेंगे रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई बराबर में 0 लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे रूट टू एक्स बराबर, ये जो रूट थ्री वाई है वो उधर चला जाएगा, तो जाएगा माइनस का रूट थ्री और वाई, ये हो जाएगा। इस तरीके से यहां पर हम x का मान निकाल लेंगे, तो x बराबर माइनस का रूट थ्री वाई और बटे में रूट टू, ये आ जाएगा। ये x का मान जो है समीकरण नंबर 2 में डालेंगे, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे x का मान, समीकरण 2 है रूट थ्री इंटू एक्स का मान रख दो माइनस का रूट थ्री और बाई बटे में रूट टू माइनस रूट एट बाई और बराबर में हो गया आपके लिए 0। तो यहां पर देख सकते हैं रूट थ्री की गुणा रूट थ्री से होगी तो 3 हो जाएगा और माइनस का 3 बाई और बटे में रूट टू माइनस रूट एट बाई और बराबर में हो गया आपके लिए 0। अब क्या करेंगे, यहां पर माइनस का 3 बाई तो ऐसे ही रहेगा, इसकी गुणा हो जाएगी इससे, तो माइनस का 8 दूनी 16 यानी रूट 16 बाई और बटे में आ गया आपके लिए रूट टू और बराबर में 0। तो इस तरीके से यहां पर हो जाएगा आपके लिए, ये गुणा कर जाएंगे तिरछे, तो माइनस का 3 बाई माइनस का रूट 16 बाई इक्वल टू हो गया आपके लिए 0। तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 3 बाई और ये 16 का जो वर्गमूल है वो होता है 4 और बाई हो गया बराबर में 0। तो आप देख सकते हैं यहां पर इस तरीके से ये हो चुका है। और यहां पर क्या होगा, यहां से सिंपल आपके लिए सॉल्व कर लिया मैंने, तो यहां पर क्या करेंगे ध्यान से सुनना, ये जो 3 बाई लिखा है ये 4 बाई लिखा है, तो 4 बाई में से 3 बाई यहां पर जो जुड़ जाएगा तो बचेगा आपके लिए कितना, माइनस का 4 और 3 हो जाएगा 7 बाई और बराबर में 0। तो y का मान आ जाएगा आपके लिए 0, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपके लिए ये मान आ गया, अब क्या करेंगे, अब आपके लिए y का मान 0 आ गया तो x का मान निकाल लेंगे, तो यहां से निकाल लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो लिखा है रूट तीन एक्स, एक्स का मान निकालना है माइनस रूट एट बाई, बाई का मान 0 है बराबर 0, तो रूट थ्री एक्स माइनस 0 बराबर 0, तो रूट थ्री एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 0, तो यानी एक्स का मान भी 0 हो जाएगा। तो यहां पर आपके लिए ये पार्ट हो गया, फोर्थ का जो पार्ट था वो फिफ्थ हो गया। अब यहां पर छठा पार्ट कराएंगे आपके लिए, तो छठा पार्ट क्या हम लिखते हैं जरा, दोनों ही क्वेश्चंस दोनों समीकरण लिखते हैं। लिखा है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर में माइनस का 2। अगला लिखा है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, ये है। और हमें इसमें x और y का मान निकालना है, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, देखिए लिखा 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर में माइनस 2, तो 3x बटे 2 ये 5y बटे 3 जो है उधर चला जाएगा, तो माइनस का 2 और प्लस 5y बटे में 3, ये आ गया। तो हो जाएगा 3x बटे में 2 बराबर 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस 5y और बटे में हो जाएगा आपके लिए 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 की 6 से गुणा होगी 2 छंग 12 माने माइनस का 12
और दो की पांच से होगी तो दो पंजे दस बाई, और बराबर में यहाँ तीन की तीन से होगी तो तीन तीन नौ एक्स हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, नौ एक्स बराबर में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए। हमारे पास यहाँ पर x का मान यहाँ पर रखना था और x का मान हमने निकाल लिया, कितना निकालना है यहाँ पर x का मान, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, तो x का मान निकालेंगे तो माइनस का 12 प्लस का 10 बाई और बराबर में 9x दिया गया, तो x का मान आ जाएगा माइनस का 12 प्लस का 10 बाई और बटे में हो जाएगा 9, ये आ जाएगा, ये x का मान आ जाएगा। और ये x का मान समीकरण नंबर सेकंड में डाल देंगे, तो देखिए x का मान हम लिख लेते हैं यहाँ पर माइनस का 12 प्लस का 10 बाई और बटे में आ गया आपके लिए यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो पहले 9 लिख लो और इसके बटे में हो जाएगा 3, ये आ जाएगा, और फिर प्लस बाई बटे 2 और बराबर में 13/6, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखिए 3/1 मान करके एक ऊपर चला जाएगा, यानी माइनस का 12 प्लस का 10 बाई बटे में 9 गुणे 1 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया, ठीक है, और प्लस बाई बटे 2 बराबर में 13/6, ये आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस का 12 प्लस का 10 बाई ऐसे ही रहेगा और बटे में 9 हो गया 27, ठीक है, 9 हो गया 27। अब क्या करेंगे, प्लस का 22/2 बराबर 13/6, ये आ गया। अब क्रॉस मल्टी यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो जब एलसीएम ले लेंगे तो 2 इधर गुणा करेगा, तो यानी 12 × 24 माइनस का 24 और प्लस का 2 × 20 बाई और बटे में यहाँ पर, और ये प्लस का हो जाएगा, इधर गुणा हो गई तो 27 की 2 हो जाएगी, प्लस का 27 बाई हो जाएगा, और 27 की 2 से गुणा हो जाएगी, 2 × 7 = 14 का यहाँ पर 4 और हासिल लगा 1 × 2 = 4 = 5 54 और बराबर में हो जाएगा आपके लिए 13/6, ये हो गया। अब ये जोड़ लो माइनस का 24 प्लस 20 और 27 जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 47 बाई और बटे में 54 और बराबर में हो गया 13/6, ये हो गया। अब सिंपली हमें तिरछी गुणा कर देनी है, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा कर देंगे तो 6 की यहाँ होगी, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, हालांकि स्टेप लिख लेते हैं, 6 गुणे माइनस 24 प्लस 47 बाई, ये हो गया, और बराबर यहाँ पर हो गया 6 से गुणा होगी और 13 की 54 से हो जाएगी, तो यहाँ पर 13 × 54, ये हो गया। अब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आपके लिए लिखा है 24, ये 24 लिखा हुआ है, 6 की गुणा करेंगे, 6 × 24 = 4 और हासिल लगा 2 × 6 = 12 और 2 × 14 माइनस का, और प्लस 6 × 7 = 42 हासिल लगा 4 × 6 = 24 और 4 = 28, ये हो गया। अब बराबर, अब यहाँ पर बाई बराबर में 13 की गुणा इससे कराएंगे हम यहाँ पर, तो देखो 54 की 13 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 3 × 12 = 2 हासिल लगा 1 × 3 = 15 और 1 = 16 गुणे 1 × 4 और 1 × 5, ये हो गया, तो 2 × 6 = 10 = 0 5 × 6 = 7 702, तो 702 आ गया। अब यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे हम, यहाँ पर बाई निकालेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर 282 बाई बराबर में 702 और 144 प्लस हो जाएगा, तो 144 मैंने प्लस कर लिया, तो 282 बाई बराबर में 702 प्लस 144 जोड़ देंगे, 4 × 2 = 6, 4 × 8 846 हो गया, 846, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या करना है, तो यहाँ पर ये y निकाल लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 846 बटे में 282, तो ये 3 में कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 3, तो 3 में यहाँ पर कट गया है और ये आपके लिए हो गया y बराबर 3। तो y का मान जब आ गया है तो x का मान भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, समीकरण एक से, तो समीकरण एक में हम रख देंगे, समीकरण एक में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रख देंगे तो यहाँ पर समीकरण हमारे पास है ये 3x/2, मैं लिख देता हूँ एक समीकरण 3x/2 माइनस का 5y और बटे में 3 = माइनस का 2, ये है। अब इस समीकरण में y का मान 3 डाल देंगे तो 3x/2 माइनस 5 × बाई का मान हमारे पास है 3 और बटे में 3 = माइनस का 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 3x/2 माइनस का 5 = माइनस का हो गया 2।
तो यहाँ पर हमारे पास बचा है 3x/2 और बराबर में माइनस का 2 और 5 उधर चल जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा बचेगा 3x/2 बराबर में 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 बचेगा और बटे में 1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपके लिए 3 नीचे चला जाएगा और 3 × 2 ये हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, x बराबर 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों दो वैल्यू आई हैं, एक तो x बराबर 2 आई है और एक y बराबर 3 आई है। तो यही हमारा आपका आंसर हो गया क्योंकि यहाँ पर हमें x और y का मान ही निकालना था। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न ये पूरा हो गया चौथा। अब हम आपके लिए पांचवा प्रश्न कराएंगे। देखिए स्टूडेंट, अब आपके लिए यहाँ पर पांचवा प्रश्न बताएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा है देखिए ध्यान से, मैं पढ़ के आपके लिए बताता हूँ। लिखा है 2x + 3y = 11। तो एक समीकरण है 2x + 3y = 11, ये एक समीकरण दी गई है। एक दूसरी समीकरण है 2x - 4y और बराबर में -24, यह समीकरण है। और कह रहे हैं कि इसके लिए इसमें m के मान की गणना करनी है जबकि यहां पर दिया गया है y = mx + 3, ये दिया गया। और ये आपके लिए पांचवा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। तो यहां पर इसको सॉल्व कराते हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहां पर समीकरण लिख ली है और पहले हमें x और y का मान निकालना पड़ेगा तभी हम यहां पर m का मान निकाल सकते हैं। तो इन समीकरणों को सॉल्व करना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि से। तो हम यहां पर लिखेंगे समीकरण एक से यानी एक पहली वाली समीकरण से। तो 2x + 3y = 11 दिया गया है, तो यहां पर 2x बराबर हो जाएगा 11 - 3y, ये हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 11 - 3y और बटे में 2, ये x का मान आ गया है। और ये x का मान समीकरण नंबर 2 में डालना है, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में डालना है। तो लिखेंगे 2 × x, x का मान है हमारे पास 11 - 3y और बटे में आपके लिए आ गया 2, -4y = -24, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, 2 से 11 = 22 हो गया, -2 × 3 = 6y और बटे में आपके लिए आ गया 2 - 4y = -24, ये है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम भी ले लेंगे और एलसीएम लेंगे तो इसकी गुणा हो जाएगी। तो 22 - 6y और 2 × 8 - 8y और बटे में आपके लिए आ गया 2 और बराबर में -24, ये हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 22 - 8 और 6 = 14 हो जाएगा, -14y और बटे में 2 बराबर में -24। 24/1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 22 - 14y = 1 से गुणा होगी तो यही रहेगा, 24 × 2 से हो जाएगी, 24 × 2 = 48 हो जाएगा, -48, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपके लिए लिखेंगे -14y = -48 और ये 22 जो है वो उधर चला जाएगा तो -22 हो जाएगा। तो -14y = -, ये जुड़ जाएंगे, 8 × 2 = 10, हाँ से लगा 1 × 4 + 2 = 6 = 7 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 22 = 70/14, ये ठीक है। तो यहाँ पर 5 से कट जाएगा और 5 से पूरा ख़त्म हो जाएगा ये, तो वाई बराबर हमारे पास आ गया 5। जब वाई का मान 5 आ गया तो समीकरण एक से हम एक्स का मान निकाल लेंगे और समीकरण एक हमारे पास ये दे रखी है तो हम लिखेंगे समीकरण एक से एक्स का मान, ठीक है। तो हमारे पास समीकरण है 2x + 3y = 11, ये दिया गया है और हम इसमें y = 5 मान रख देंगे। तो 2 और x + 3 × y = 5 = 11, तो 2x + 5 = 15 = 11 और 2x = 11 - 15, तो 2x = 11 - 15 यहाँ पर चला जाएगा तो 4 बचेगा - 4, तो x = -4/2 यानी 2। तो x = हमारे पास आ चुका है -2 और y = आ चुका है हमारे पास 5। तो हम इन दोनों समीकरणों को m वाली समीकरण में रख देते हैं। हमारे पास समीकरण है y = mx + 3 और हम यहाँ पर
एक्स का मान माइनस दो रख देंगे और वाई का मान पांच, तो पांच बराबर एम इन टू गुणे एक्स का मान माइनस दो है प्लस का तीन। तो देखो हो जाएगा पांच बराबर माइनस का दो एम और प्लस का तीन, तो पांच और ये इधर आ जाएगा माइनस का तीन हो जाएगा और बराबर में माइनस का दो एम, पांच में से तीन गया दो, माइनस का यहाँ पर प्लस का दो हो जाएगा बराबर में माइनस का दो एम, तो एम बराबर हो जाएगा दो बटे माइनस दो, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा एम बराबर आ जाएगा माइनस का वन। तो देखिए एम का मान यहाँ पर माइनस का वन आ चुका है जो कि यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, एक्स और वाई का भी मान यहाँ पर निकाल दिया है। तो ये इस तरीके से हमारा प्रश्न नंबर पांच हो गया है। अब हमारे पास जो प्रश्न शुरू होंगे वो दीर्घोत्तरी प्रश्न शुरू होंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न। तो यहाँ पर हम आपके लिए छठा प्रश्न शुरुआत करते हैं। देखिए छठे प्रश्न में क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए तथा उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। तो छठे का पहला प्रश्न कराते हैं, देखिए छठे का पहला प्रश्न ये है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी दो संख्याएं मान लो हमारे पास x है संख्या, एक है y, तो इनका जो अंतर है x माइनस y वो बराबर में है हमारे पास 26, कितना है 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, इसका मतलब है x बराबर 3y। क्या है, x बराबर 3y है और हमें इसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 3y जो है वो यहां रख दो इस समीकरण में। तो देखो मैं रख रहा हूं x बराबर 3y माइनस का y बराबर में 26, तो 3y में से y चला गया तो बचा 2y बराबर में 26, तो y बराबर बचेगा 26 बटे में 2 और ये कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 13। तो y का मान हमारे पास 13 आ चुका है, तो हम x का मान भी निकाल सकते हैं, और x का मान कहां से निकालेंगे, इससे निकाल लेंगे। तो x बराबर लिखा है 3y, तो यहां पर x बराबर 3 इंटू y का मान हो जाएगा 13, तो x बराबर हो जाएगा 13 × 3 = 39, तो x का मान हो जाएगा हमारे पास 39, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से जो छठे का पहला है सवाल वो हमने आपके लिए पहला सवाल करवा दिया है। अब बात करते हैं यहां पर हम दूसरे सवाल की, तो दूसरा सवाल क्या है ध्यान से सुनिए, इसका दूसरा पार्ट, इसका दूसरा पार्ट कह रहे हैं, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है और उन्हें ज्ञात करना है। तो संपूरक कोण यानी जो होता है यहाँ पर संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट, जिन दो अंगलों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं दो कोण क्या है, एक्स है एक और एक वाई है, ठीक है। इसमें से बता रहे हैं कि दो बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है, तो बड़ा कोण जो अगर एक्स है, ये बड़ा कोण है और ये हमारे पास छोटा कोण है। तो अगर मान लो मैंने छोटा कोण यहां पर x मान लिया है, छोटा कोण अगर x मान लिया है तो बड़ा कोण कितना होगा, आप ये मान सकते हो, अगर ऐसा मानोगे तो इस तरीके से कर लो कि अगर मैं दोनों कोणों का सम करूं तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, ये समीकरण नंबर वन बन गई। इसी तरीके से 18 अधिक है एक, तो ऐसा लिख सकते हैं हम, बड़ा कोण 18 अधिक है, इसका मतलब x बराबर y प्लस 18, ये हो गया। तो हम यहाँ x का मान डाल देंगे तो x का मान हो जाएगा y प्लस 18 डिग्री और प्लस का y बराबर में 180 डिग्री। तो y और y मिलकर के हो गया 2y बराबर में 180 डिग्री और माइनस का 18 डिग्री हो गया। तो 2y बराबर यहाँ पर 180 में से 18 घटा देंगे तो 10 में से 8 गए यहाँ पर 2 और 7 में से 1 गया 6 और ये 162, तो 2y बराबर 162 हो गया और y बराबर 162 बटे में 2, 2 से आप काट दीजिए इसको, 2 बटे 16 और 2 एक कम 2, यानी y का मान हमारे पास आ गया 81। और जब y का मान 81 आ गया तो x का मान भी आप निकाल सकते हैं, तो x का मान निकालने के लिए यहाँ पर आप वैल्यू रख दें y की, तो x बराबर हो जाएगा, y का मान आया 81 डिग्री और प्लस का 18 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 8 और 1 9 और 8 और 9 99 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर दोनों एंगल आ चुके हैं हमारे पास, x का मान आपके लिए आ गया 99 डिग्री और y का मान आ गया आपके लिए 81 डिग्री। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए दोनों मान यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर आपके लिए छठे का थर्ड पार्ट कराने जा रहे हैं, यहाँ पर थर्ड पार्ट देखिए क्या है, तो थर्ड पार्ट हम पढ़ के बता देते हैं। एक एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी हैं,
तो यहां पर हम लिख लेते हैं, पहले तो हम यहां पर बल्ला लिखते हैं और दूसरा यहां पर गेंद। तो सपोज करो यहां पर एक्स बल्ले लिए गए हैं और गेंदे हैं वाई, तो इनका रुपए भी कोई ना कोई कॉस्ट होगा। तो यहां पर बल्ले का जो प्रति रुपए कॉस्ट है वो हमने यहां पर कुछ एक्स मान सकते हैं, क्योंकि कुछ भी नंबर यहां पर लिया जा सकता है। तो यहां पर सात जो है संख्या दी गई, तो आप मान लीजिए यहां पर रुपए हैं, रुपए एक्स और रुपए वाई, ये इनका जो है कॉस्ट है। ठीक है, अगर ये इनका कॉस्ट है तो इस हिसाब से सात बल्ले खरीदेंगे हैं, तो सात बल्ले खरीदने के लिए तो यहां पर कितना हो जाएगा, सात एक्स प्लस छह गेंदे खरीदी गई है तो छह बाई, और इनका जो टोटल है वो है 3800, 3800 रुपए में खरीदी गई है। ठीक है, तो समीकरण एक बन गई। दूसरा बात में कह रहे हैं तीन बल्ले, तो तीन और बल्ले रुपए एक्स है तो तीन एक्स प्लस पांच गेंदे हैं तो पांच वाई और बराबर में 1750, ये आ गया। अब इन दोनों समीकरण जो हमारे पास टू वेरिएबल इक्वेशन बनी है, दो चर की रैखिक समीकरण यू बने हैं, इनको हमें सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए सॉल्व करते हैं, तो समीकरण एक से लिखेंगे, समीकरण एक से, समीकरण एक से लिखेंगे तो सात एक्स प्लस छ वाई बराबर में यहां पर लिख लिया मैंने 3800। तो आप देख सकते हैं यहां पर सात एक्स बराबर हो जाएगा 3800 और माइनस क्या हो जाएगा, छ वाई। तो x बराबर निकाल सकते हैं 3800 माइनस का 6y और बटे में आ गया 7। अभी x का मान आ गया, तो x का मान हम समीकरण नंबर दो में डाल देंगे तभी हमें y का मान मिलेगा, तो x का मान यहाँ पर रख देते हैं। देखिए समीकरण दूसरी है 3x, यानी x का मान हमारे पास आ चुका है 3800 और माइनस का 6y और बटे में 7, ये है। और फिर है प्लस का 5y, तो मैंने लिख लिया 5y बराबर में 1750, ये आ गया। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, सबसे पहले तीन की यहाँ पर करेंगे, तो 3 8 24 का 4 हासिल लगा यहाँ पर आपके लिए, 2 3 3 9 और 2 11, ये आ गया। और 00 माइनस 6 से करेंगे तो 6 3 18 माइनस का 18y और बटे में आ गया आपके लिए 7 प्लस का 5y बराबर में 1750, ये आ गया। अब यहाँ पर गुणा कर देंगे इसकी, तो 7 की यहाँ गुणा कर देंगे यानी एलसीएम ले लेंगे, तो 11 400 माइनस का 18y और प्लस का 7 5 35y और बटे में आ गया आपके लिए 7 और बराबर में 1750, ये आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 11 400 और ये 35 में से 18 चला जाएगा, तो 35 में से 18 घटा लीजिए, 15 में से हट गया 7 और यहाँ पर 2 में से गया 1 17, तो यानी बचा यहाँ पर हमारे प्लस 17y और बटे में 7 बराबर 1750 बचा। अब गुणा करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हो जाएगा 11 400 प्लस का 17y बराबर में 1750 के 7 से गुणा करेंगे तो 700 7 5 35 का यहाँ पर 5 और 3 हासिल लग गया 7 7 49 और 49 यहाँ पर आपके लिए 3 जोड़ लेना है, तो यहाँ पर 9 3 12 का 2 और 1 5 ये 52, तो 52 हो गया, 52 का यहाँ पर हो गया 2। तो इसी तरीके से हमारे पास बचा 5 7 1 7 और 5 12, ये आ गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर 17y बराबर 12 और 250 और माइनस का 11 400, ये आ गया। अब आप घटा लेंगे यहाँ पर 17y बराबर 12 250 माइनस 11 400, ये घटा देंगे तो 0 5 12 में से 4 गया 8 एक में से 1 गया 0 850 बचा। ठीक है ना, तो बाई बराबर आ गया हमारे पास 850 बटे में 17, तो 17 से इसको भाग कर देंगे 17 5 85 और ये 0 आ जाएगा, तो यानी बाई बराबर आ गया हमारे पास 50, कितना आ गया, बाई बराबर 50 आ गया। अब ये बाई बराबर 50 जो है वो समीकरण नंबर एक में डाल दीजिए तभी हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो समीकरण हमारे पास एक है 7x प्लस 6y बराबर में 3800, ये है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान डाल देते हैं, तो 7x प्लस 6 गुणे y का मान 50 बराबर में आ गया आपके लिए 3800, तो 7x प्लस 6 5 30 और ये 0 बराबर में 3800, तो जाएगा 7x बराबर 3800
माइनस का 300, तो 7x बराबर हो जाएगा 3800 में से 300 घटा दीजिए, 300 घटा दीजिए तो 0 0, 8 में से 3 गया 5 और 300 यानी 3500, तो 3500 आ गया। तो x बराबर निकाल सकते हैं 3500 और बटे में आ गया 7 से भाग कर देंगे, 7 5 35 और ये 2 0 आ जाएंगे यानी 500 आ जाएगा। तो x बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 500। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोनों कॉस्ट आ गई, x का मान भी आ गया और y का मान, x का मान हमारा आया है 3500, यहाँ पर 500 और y का मान जो आया है आपके लिए वो आया है 50। तो ये कॉस्ट हो गई इनकी, यहाँ पर ये रुपए हो गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए हमने जो है तीसरा पार्ट करा दिया छठे का। और फिर आपके लिए जो है अगली नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपको बताएंगे तो यहाँ पर चौथा पार्ट और पांचवा और छठा पार्ट आपके लिए यहाँ पर बता देंगे। तो हमारी वीडियो के लिए इंतज़ार करना, तो यहाँ पर आपके लिए तीनों पार्ट कराए जाएंगे।